हेलो एवरीवन, एचएसएससी कंप्यूटर क्रैश कोर्स के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं फिनिशर सीएसएन आईडी। आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम से काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं, पूछे जाते हैं। एचएसएससी में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम कोशिश करेंगे एक स्टेप आगे चल के भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को पूरा देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि नंबर सिस्टम असल में होता क्या है। तो जब भी हम नंबर्स के ऊपर काम करते हैं या नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, फिर चाहे वो बाइनरी फॉर्म हो, फिर चाहे वो ऑक्टल फॉर्म हो, चाहे आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म हो, चाहे आपका वो डेसिमल फॉर्म हो, हम किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से नंबर्स के ऊपर जब काम करते हैं या नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तकनीक को, उसी टेक्निक को नंबर सिस्टम बोला जाता है। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो होता है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। मोस्टली हम जो नंबर्स यूज करते हैं वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के ही होते हैं। डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर में, अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर सिस्टम को चार कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, फिर आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, फिर आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको इन नामों का पता होना चाहिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। दूसरी बात, आपको इनके बेस का पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बताइए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस बताइए। तो बेस याद रखने का तरीका क्या होता है, किसी का भी जो बेस होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस नंबर सिस्टम में हमारे पास चॉइस कितनी है। फॉर एग्जांपल, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो दो होता है, क्योंकि दो का मतलब है जीरो और एक हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं। तो इन दोनों का जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास दो संख्याएं बनती हैं। तो टोटल दो चॉइस होने की वजह से बाइनरी का जो बेस होता है वो दो होता है। इसी प्रकार ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है। इसका रीजन, कारण क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 0 से लेके 7 तक संख्याएं हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती हैं, जिनका जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 संख्याएं यानी कि 8 चॉइस हमारे पास होती हैं ऑक्टल के अंदर। इसलिए ऑक्टल का बेस जो है वो 8 बोला जाता है। सेम डेसिमल का बेस हमारे पास 10 होता है, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं हमारे पास डेसिमल में होती हैं। इसीलिए हमारे पास मैथमेटिक्स में या फिर कंप्यूटर में ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 0 और 9 के बीच में ही होती हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई संख्या नहीं होती है। अगर हम 10 की बात करेंगे तो उसमें भी 1 और 0 होता है, अगर आप 55 की बात करेंगे तो उसमें भी 5 होता है। सभी संख्याएं जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही आती हैं। 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 संख्याएं आती हैं, इसीलिए डेसिमल का बेस जो है वो 10 माना जाता है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। इसमें याद रखने की बात आपकी ये है, इसमें आपको दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है जिसमें आपके पास 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, उसके बाद आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये 6 अल्फाबेट जो है ये आपके पास होती है। 9 के जस्ट बाद आपको ए से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ए का जो नंबर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का 11, सी का 12, डी का 13, E का 14 और F का 15, इन सभी को जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास 16 आता है। इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको 16 माना जाता है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं, एक तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर बाइनरी फ्रैक्शन को, बाइनरी फ्रैक्शन में भी दे देते हैं, बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चार कन्वर्जन हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ऐसे ही इससे नेक्स्ट जो फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टेल में कैसे कन्वर्जन होता है, ऑक्टेल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है, फिर हम देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे होता है और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे होता है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ऑक्टेल से डेसिमल में कैसे होता है, डेसिमल से ऑक्टेल में कैसे होता है, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, या फिर ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल। इस प्रकार से आपके पास ये कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए हमें चलना है। लेक्चर को पूरा देखिएगा, किसी भी चीज को स्किप मत कीजिएगा।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं बी टू डी यानी कि बाइनरी नंबर से अगर डेसिमल नंबर में अगर हमें किसी बाइनरी नंबर को बदलना है तो हमारे पास एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कन्वर्ट करने का, उसको बदलने का, जिसमें हमें तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है स्टार्ट एट द राइट मोस्ट बिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं आपके पास कोई नंबर लिखता हूं 101011, ये मैंने कोई बाइनरी नंबर लिखा है, तो जो ये साइड है ये आपकी राइट साइड है और ये जो साइड है ये आपकी लेफ्ट साइड है। बोला गया है कि स्टार्ट एट द राइट मोस्ट बिट यानी कि जो सबसे राइट साइड में बिट है यहां से हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है, यहां से शुरू करके हम लेफ्ट तक ऐसे जाएंगे। करना क्या है, शुरुआत करने के बाद टेक दैट बिट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, यानी कि उस पहली बिट को लेना है और उसको 2 की पावर n से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब भाई 2 की पावर n का क्या मतलब है, ये n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज द करंट पोजिशन बिगिनिंग एट जीरो, यानी कि जो करंट पोजिशन है ये पहली जो पोजिशन है यहां से जीरो से स्टार्ट माना जाता है और 2 की पावर n हमें सबसे पहले क्या लेनी है, जीरो लेनी है। एंड इंक्रीजिंग बाय 1 ईच टाइम, यानी कि पहली बिट को 2 की पावर 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी बिट को हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी बिट को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे हम पावर्स को। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है सम ईच टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अंटिल ऑल बिट्स हैव बीन यूज्ड। जब तक सारी बिट्स यूज नहीं हो जाती हैं तब तक उन सभी को यूज करके और फिर क्या करना है, सभी से जो हमें रिजल्ट मिलता है उन सभी को हमें ऐड कर देना है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है वो बाइनरी नंबर दिया गया है 10101 और 1, ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको हमें किस में बदलना है दोस्तों, डेसिमल में बदलना है। बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है। सबसे पहली बिट हमें उठानी है, राइट साइड से हमें शुरू करना है और हमें लेफ्ट साइड तक जाना है। सबसे पहले इस 1 को हम उठाते हैं और हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर हम नेक्स्ट बिट को उठाते हैं लेकिन बीच में क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट बिट को उठाएंगे और हम 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी बिट के लिए भी हम 0 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 की पावर 2 से और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट बिट हम लेंगे 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। सेम नेक्स्ट बिट हम लेंगे 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। लास्ट बिट है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से। तो जो हमारा पहला मेथड रूल बोलता है कि 2 की पावर 0 से शुरू करते हुए हर एक बिट को आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सभी के बीच में प्लस का साइन आपको लगाना है और हर एक टर्म को जो है वो आपको जोड़ना है। तो अगर मैं बात करूं 1 × 2 की पावर 0, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 2 की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है वो इक्वल होता है दोस्तों 1 के। तो ये यहां से 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आया, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। 2 की पावर 1 का मतलब होता है दोस्तों 2 और 2 को 1 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों 4 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, यानी कि यहां से हमारे पास आ गया 0। 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 8। इसी प्रकार से 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट 2 की पावर 5 हमारे पास दोस्तों 32 के बराबर होती है, 32 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। अब इन सभी टर्म्स को जो है वो हमें ऐड करना है। टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिट थी हमारे पास और यहाँ भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिजल्ट आ गए हैं, 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43। आंसर जो आ गया हमारा वो 43 आ गया। 43 का बेस हम लिखेंगे 10 क्योंकि डेसिमल नंबर है। तो हमें पता लग गया कि 101011 एक बाइनरी नंबर है जिसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो हमारे पास 43 के बराबर आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे पास संख्याएं हैं 1101 और 1। सबसे पहली बिट हम उठाएंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे, सबसे पहली बिट को उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। सेकेंड बिट उठाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। थर्ड बिट उठाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। फोर्थ बिट को उठाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। और लास्ट बिट को उठाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। सभी के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, जो भी इनसे रिजल्ट आएगा उन सभी को हमें ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आता है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1 के और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ से हमारे पास 2 एकम 2 आता है, यहाँ से हमारे पास 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा,
यहाँ पे हमारे पास 8 एकम 8 आता है और यहाँ पे हमारे पास 16 एकम 16 आता है। 16 और 8 24 और 3 27, यानी कि 27 हमारे पास आंसर आ गया, डेसिमल नंबर आ गया, जो किसके इक्वल होता है, इस बाइनरी नंबर के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं बाइनरी नंबर का, जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो बिट है वो है 100 और 1। सबसे पहली बिट उठाओगे और 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी बिट उठाओगे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तीसरी बिट उठाई 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया और चौथी बिट उठाई 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में लगाया प्लस का साइन। यहां से रिजल्ट आया हमारे पास दोस्तों 1, यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा दोस्तों 0, यहां से भी रिजल्ट आएगा हमारे पास 0 और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा दोस्तों 8, यानी कि टोटल हमारे पास जो बनता है वो यहां पे बनता है 9। 9 का बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि एक डेसिमल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि 9 को इक्विवेलेंट, 9 डेसिमल नंबर को बाइनरी में 1001 लिखा जाता है, या फिर 1001 बाइनरी नंबर 9 नंबर के इक्वल होता है, जो एक डेसिमल नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिंपल बाइनरी से डेसिमल में बदलने का तरीका, हमने देख लिया है, लेकिन अगर बाइनरी फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है 11011.101, जिसका बेस 2 है, यानी कि ये एक बाइनरी नंबर है और इसको हमें बदलना किस में है दोस्तों, डेसिमल में बदलना है। तो देखो, बाइनरी फ्रैक्शन अगर कभी भी दिया हो तो उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक डॉट से पहले का पार्ट होता है और एक डॉट के बाद वाला पार्ट होता है, यानी कि डॉट के लेफ्ट वाला पार्ट और डॉट के राइट वाला पार्ट। राइट वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमारे पास 3 बिट 10 और 1, यहां पे लगा दो डॉट। इधर हमारे पास दिया हुआ है 11011, टोटल 5 बिट दी हुई है। तो अगर आपको सिंपल बाइनरी से डेसिमल में बदलना आता है तो आप इस 11011 यानी डेसिमल, ये जो डॉट है इसके लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ही आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने सिंपल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था, पहली बिट को उठाया 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बिट को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरी बिट को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, चौथी बिट को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट बिट को हमने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। यहां से हमारे पास निकल के आया दोस्तों 1, यहां से निकल के आया हमारे पास 2, यहां से 0 निकलेगा, यहां से निकल के आया दोस्तों 8 और लास्ट में निकल के आया हमारे पास 16। 16 और 8 24 और 3 27, तो टोटल हमारे पास यहां से जो नंबर निकल के आया है वो आया है 27, यानी कि डॉट से पहले का जो नंबर है वो 27 है। ये तो बात हो गई कि डॉट से लेफ्ट वाले को सिंपल जैसे बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं वैसे ही आपको बदलना है, लेकिन राइट साइड वाले को कैसे बदलोगे। तो राइट साइड वाले को बदलने के लिए आपको क्या करना है कि डॉट के सबसे नजदीक वाला जो बिट है सबसे पहले उस बिट को उठाओगे और इधर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हुए गए थे, इधर 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हुए शुरू करना है और हर बिट को ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है 2 की पावर -2, प्लस का साइन लगाओगे 2 की पावर -3 और ऐसे ही 2 की पावर -4 -5, ऐसे आपको चलते जाना है। तो क्या मैं 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये रूल होता है कि जब भी आपको किसी संख्या की नेगेटिव अगर पावर दी गई है, मान लो 2 की पावर -3 दी गई है, तो उसको आप 1/2 में करके लिखते हो तो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया है 0.5। यहां पे 0 दी हुई है तो ये आपको सोल्व करने, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपके पास सिर्फ 0 ही आंसर निकलेगा। बात करते हैं 2 की पावर -3 की, तो 2 की पावर -3 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया 1/2, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं और 1/8 जो होता है वो 0.125 के इक्विवेलेंट होता है, ये आप लोगों को पता है। तो 0.125 हमारे पास यहां से निकल के आया, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास दोस्तों 0.625। इस 0.625 को सिंपली यहां पे लिख दीजिए 625 और ये 27.625 का बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर आया है इस बाइनरी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट। ये जो बाइनरी फ्रैक्शन दिया हुआ था इसका रिजल्ट निकलेगा 27.625। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे पास। तो डॉट से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो सिंपल बाइनरी नंबर होता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल आप लोग देख चुके हैं, और डॉट के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको आपको करना होता है 1 × 2 की पावर -1, फिर नेक्स्ट 0 × 2 की पावर -2, अगर और भी दिया होता तो 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 आ जाता। तो ये तो 0 ही आ जाएगा और 1 × 2 की पावर -1 अभी अभी हमने देखा था 1/2 के बराबर आता है, यानी 0.5 के बराबर आता है।
यानी कि इस डॉट के बाद 10 जो लिखा हुआ है उसको हम 0.5 लिख सकते हैं डेसिमल के अंदर, और 1011 इस पहले को एक को गुणा करेंगे हम 2 की पावर 0 से, इस एक को गुणा करेंगे 2 की पावर 1 से, 0 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, इस एक को गुणा करेंगे 2 की पावर 3 से, क्योंकि ये 2 की पावर 2 वाला होता। इनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, यहाँ से 8 आया है, यहाँ से 2 आया है, और यहाँ से आपके पास आएगा 1, 8 और 10 और 1 11, तो 11.5 एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो बराबर होता है 1011.10 बाइनरी फ्रैक्शन। अब बात आती है दोस्तों कि अगर कोई डेसिमल नंबर अगर हमें दिया हो और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। जो भी डेसिमल नंबर आपको दिया हो, फॉर एग्जांपल एक्स आपको डेसिमल नंबर दिया है, तो क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 2 से। सबसे पहला रूल बोलता है टेक द रिमाइंडर एंड रिकॉर्ड इट ऑन द साइड। जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे आपको उस रिमाइंडर को साइड में लिख लेना है। डिवाइड द कोशेंट बाय 2, और यहाँ पे जो भी कोशेंट आएगा उसको दोबारा से आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। रिपीट अंटिल द डेसिमल नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि जब तक यहाँ पे उस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी संख्या ना आ जाए, जब तक वहां पे उससे छोटी संख्या ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाना है और कोशेंट को 2 से डिवाइड करते जाना है। ये तरीका होता है दोस्तों डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। लास्ट पार्ट होता है रिकॉर्ड द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नीचे से लेके ऊपर तक रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना है, वही आपका जो होगा वो बाइनरी नंबर होगा। कैसे होगा देखिए, 125 हमें दिया हुआ है एक डेसिमल नंबर जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है, 2 से डिवाइड करना है। 2 मतलब बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो 2 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं बाइनरी नंबर निकालने के लिए। यहां पे जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है, तो 2 6 12, 2 2 4 62 आ गया। यहां पे कितना रिमाइंडर बचा, यहां पे रिमाइंडर बचा दोस्तों 1, दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0, दोबारा से करेंगे 15 2 30, रिमाइंडर बचा 1, फिर से करेंगे 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1, फिर से करेंगे 2 3 6, रिमाइंडर बचा 1, अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 जो है वो ऐसी संख्या आ गई है जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 2 से छोटी आ गई है। लास्ट स्टेप था कि आंसर को लिखेंगे आप नीचे से लेके ऊपर रिवर्स ऑर्डर में आंसर को लिखोगे, तो नीचे सबसे पहली बिट से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 1 1 0 और 1, ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर जो बराबर होता है 125 के, और इसको बेस लगाएंगे आप 2। ये तरीका है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 55 दिया हुआ है, 55 को हम स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 2 4 और 2 7 14, रिमाइंडर बचा 1। 27 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 2 26, रिमाइंडर बचेगा 1। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। और फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये ऐसी संख्या आ गई है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, अब रिवर्स ऑर्डर में आप आंसर को लिख दीजिए 1 1 0 1 1 1। ये आपकी बाइनरी की वो संख्या आ गई है जो किसके बराबर होती है, 55 डेसिमल नंबर के बराबर होती है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल में 86 दिया हुआ है, 86 एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 4 8, 2 3 6, रिमाइंडर बचा हमारे पास 0, 2 2 4, 2 1 2, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1, 2 10, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 5 10, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 2 4, रिमाइंडर बचेगा 1, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर बचेगा 0। अब नीचे से लेके ऊपर तक लिख दीजिए 1 0 1 0 1 1 0, ये आ गया आपका बाइनरी नंबर जिसको आप बोल सकते हैं कि ये 86 डेसिमल नंबर के बराबर होता है। तो रूल बोलता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको उस नंबर को 2 से भाग देना शुरू करना है, जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा उसको आपको साइड में लिखना है और तब तक डिवाइड करते हुए रहना है जब तक आपके 2 से छोटी संख्या वहां पे नहीं आ जाती है, और फिर आपको आंसर को रिवर्स करके लिख देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि डेसिमल फ्रैक्शन नंबर अगर हमें दे दिया जाए तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास 105.15 जो है वो नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट है आपका 105 का और एक पार्ट है आपका 1.15 का।
105 क्या है? एक डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल आप लोग अभी अभी देख चुके हैं कि दो से डिवाइड करना था और लास्ट तक जाना था। तो जब 105 को दो से डिवाइड करते हुए आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो बाइनरी नंबर निकल के आएगा वो आएगा 110001 निकल के आएगा। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसको उठाना है, 0.15 को उठाना है और उसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 0.30। इस जीरो को यहीं रहने दोगे, 0.30 को उठा के लाओगे इधर और फिर से दो से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आएगा 0.60। फिर इस जीरो को यहीं छोड़ दोगे, 0.60 को उठा के लाओगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा आपके पास 1.20। 1 को छोड़ दो, 0.2 को 0 को इधर उठा लाओ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा दोस्तों 0.40। 0 को यहीं छोड़ दो, 40 को इधर उठा लाओ, 0.40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.80। इस तरीके से डिवाइड करते हुए जाना है। कब तक डिवाइड करना है वो आपको क्वेश्चन पेपर, जब आपके पास ऑप्शन पूछा जाएगा एग्जाम में, वहां पे आप लोगों को ये देखना है कि आंसर में आपके पास ऑप्शंस में बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है वो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक दिया हुआ है। तो 6 प्लेसेस तक दिया हुआ है तो कम से कम एटलीस्ट आपको 6 बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, जो नॉर्मल हम जब डेसिमल से बाइनरी बदल रहे थे तो हम रिवर्स में आंसर लिख रहे थे, यानी कि नीचे से ऊपर तक को आंसर को लेके जा रहे थे, लेकिन बात जब आती है डेसिमल फ्रैक्शन की, वहां पे आपको आंसर जो लिखना है वो ऊपर से नीचे लिखना है इस डेसिमल के बाद का। यानी कि यहां से आप लिखोगे 001001, ऊपर से शुरू करोगे और नीचे तक जाओगे, सिर्फ इन 0 और 1 को आपको उठाना है, ये बाकी का जो भी यहां पे मटेरियल है इसको आपको नहीं देखना है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 20.20 दिया हुआ है, 20.20 एक आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसका बेस 10 है, इसको आपको बदलना है दोस्तों बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में बदलने के लिए आप लोगों को पता है 20 को 2 से भाग करना शुरू करोगे और आपको रिवर्स में जो है वो आंसर लिखना है और इधर 0.20 को उठाओगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लेते हैं हमारे पास आ गया 0.40, 0 को यहीं छोड़ दोगे, 0.40 को उठाओगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। तो 20.20 का क्या आंसर आता है बाइनरी में वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है कि सिंपल बाइनरी से डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी फ्रैक्शन से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बाइनरी और डेसिमल का। इससे आगे के लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत कम क्या बिल्कुल नेग्लेजिबल तौर पे ही पूछा जाता है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको पूरा पूरा समझ में आया है तो अपना एक लाइक वीडियो को दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके।